अब सारे राजनीतिक दलों का फोकस जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर है। झारखंड में तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए के सहयोगी दलों को वो 10 से ज्यादा सीटें बिल्कुल भी देने वाली नहीं है, और ना ही जेडीयू और ना ही चिराग पासवान की पार्टी मोदी के साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के बीच तलवार खींच गई है, अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव है। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि हरियाणा के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दौरा करने नहीं गए थे तो सवाल एक ही उठाया जा रहा था कि मोदी जी ने हरियाणा छोड़ दिया है, और इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मोदी जी हरियाणा के अंदर अपनी सरकार नहीं बना सकते। लेकिन अब खबर कुछ और ही निकल के आ रही है। दरअसल RSS ने सीधे तौर पर मोदी जी को कह दिया था कि आप जितना दूर इस चुनाव से रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब देखिए मोदी जी के ऊपर किस तरह से, मोदी की गारंटी के ऊपर के सरा से बैन यहां पर लगाया जा रहा है महाराष्ट्र में, यानी कि मोदी जी के ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाने की बात RSS कर रहा है। सीधे तौर पर मोदी जी को एक ये बड़ा झटका है। बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए, एनडीए सरकार को जिताने के लिए किस तरह से RSS अमित शाह और मोदी जी को हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से मोदी जी को महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा झटका लग सकता है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, इस रिपोर्ट को आप लोग देखिए। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव अब खत्म हो चुका है। अब सारे राजनीतिक दलों का फोकस जो है वो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर है। झारखंड में तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एनडीए के सहयोगी दलों को वो 10 से ज्यादा सीटें बिल्कुल भी देने वाली नहीं है, झारखंड के अंदर जेडीयू और ना ही चिराग पासवान की पार्टी मोदी के साथ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए के बीच तलवार खींच गई है, अगले महीने महाराष्ट्र में चुनाव है, दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे अमीर प्रदेश महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा जीतने के बाद भी महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के अमित शाह की हर एक मीटिंग फेल साबित हो रही है, हर एक मीटिंग क्योंकि फेल ना हो रही तो शिंदे गुट मान रहे हैं और ना ही अजित पवार की। इस बीच RSS भी मोदी शाह पर प्रेशर बना रही है। बाहर जितना भी दिखाया जाए, मोदी को हीरो बनाया जाए हरियाणा चुनाव जीतने के चलते, लेकिन RSS मान रही है कि मोदी शाह हरियाणा चुनाव से खासकर मोदी जी को ज्यादा प्रचार का मौका नहीं दिया गया। हरियाणा में मोदी की एंट्री पर बैन लगाया गया था, मोदी की गारंटी पर बैन लगा हुआ हरियाणा के अंदर, इसीलिए राज्य में पार्टी कैडर बेस्ड रही और अच्छा प्रदर्शन किया। यहीं पर मोदी की एंट्री होती तो शायद आम जनता बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं करती। अब RSS चाहती है कि महाराष्ट्र का चुनाव भी मोदी शाह नहीं बल्कि RSS और संगठन यानी पार्टी तय करे कि चुनाव किसे लड़ना है और कैसे लड़ना है, यानी हरियाणा चुनाव जीतने का श्रेय संघ मोदी को कतई नहीं देना चाहता। इसीलिए महाराष्ट्र में भी मोदी की गारंटी पर बैन लगाया जा रहा है, मोदी के ऊपर ही बैन लगाया जा रहा है, मोदी जी की गारंटी के ऊपर। सीधे तौर पर चुनाव है, चिराग पासवान ने झारखंड में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जेडीयू ने भी साफ कर दिया कि हम एनडीए अलायंस के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के साथ ये दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि जेडीयू और AJSU बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया नहीं, हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। सोचने वाली बात है कि जब चिराग पासवान झारखंड में 10 सीटें लेने और बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, अब नीतीश कुमार भी तैयार नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान को 15 सीटें झारखंड में चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान का दावा है कि झारखंड में उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो 14 सीटों पर इन्फ्लुएंस्ड है। AJSU ने भी बीजेपी से झारखंड में 16 का दावा ठोका है। दोस्तों, झारखंड में कुल 81 विधानसभा की सीटें हैं। जिस प्रकार से झारखंड में बीजेपी की सीट शेयरिंग फॉर्मूला फंस गया है, उसी तरह महाराष्ट्र चुनाव में महायुति गठबंधन में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंसता चला जा रहा है, और अमित शाह पिछले एक महीने में 3 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। एक महीने में 3 बार फिर भी अमित शाह जी महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं।
इसी के लिए जब वो पहुंचे हाल फिलहाल में महाराष्ट्र, कभी अजित पवार उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं तो कभी एकनाथ शिंदे उनसे मिलने से मना कर देते हैं। महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं जो चुनावी खिचड़ी बीजेपी और गुजरात लॉबी पका रही है, जाहिर तौर पर अजित पवार एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आ रहा है। तभी तो इतनी मुलाकातों के बाद भी सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो पा रहा है। अजित पवार को लेकर के एनडीए के नेता आए दिन कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी उन्हें महाराष्ट्र में लोकसभा में हुई हार का जिम्मेदारी जो है उसका ठेकड़ा कहीं ना कहीं अजित पवार पर फोड़ रहे हैं। कभी शिंदे गुट के नेता ये तक बोल देते हैं कि अजित पवार को देखकर उन्हें उल्टी आती है। एनडीए में तमाम नेताओं ने हथकंडे अपनाए कि अजित पवार खुद ही महायुति छोड़कर निकल जाए। बीजेपी और शिवसेना जो है वो 288 विधानसभा सीटों को आपस में बांट ले, पर अजित पवार ना तो एनडीए छोड़ रहे हैं और ना ही कम सीटें उन्हें चाहिए, उन्हें अच्छी खासी सीटें चाहिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि शिंदे गुट से भी ज्यादा विधायक अजित पवार के पास है। एनसीपी यानी अजित पवार वाली एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने जानकारी दी है कि कम से कम 53 से 55 सीटों पर तीनों पार्टियों के बीच यानी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और अजित पवार वाली एनसीपी के बीच बात बन नहीं पा रही है। 53 से 55 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। वर्किंग प्रेसिडेंट एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट ने साफ किया कि 288 में से 235 सीटों पर 12 अक्टूबर को उम्मीदवारों का घोषणा हम लोग करेंगे, पर बची हुई जो 53 सीटें हैं उस बंटवारे को लेकर के एनडीए में तलवार खींच गई है और इन्हीं 53 सीटों को लेकर के एनडीए की महायुति गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र चुनाव एनडीए के अंदर घमासान मचा हुआ है। विधानसभा में से 150 से लेकर 160 सीटों पर बीजेपी खुद चुनाव लड़ेगी, 80 से 85 सीटें जो है वो शिंदे गुट को दिया जाएगा और महायुति गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री कौन बनेगा या अजित पवार की पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी, इसे लेकर के मामला बुरी तरह से फंस चुका है। क्योंकि अजित पवार को लेकर के, अजित पवार वाली एनसीपी को लेकर के आरएसएस जो है वो बीजेपी पर प्रेशर बना रही है कि अजित पवार को महाराष्ट्र चुनाव से पहले लात मारकर बाहर कर दिया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी शाह ऐसा कर नहीं सकते। आरएसएस पर प्रेशर ये भी है कि हरियाणा चुनाव की तरह महाराष्ट्र चुनाव को भी कैडर बेस्ड बनाया जाए, कार्यकर्ता काम करे, कैडर काम करे, ना कि सिर्फ मोदी की गारंटी और हिंदुत्व की राजनीति हो। हरियाणा चुनाव में हिंदुत्व की राजनीति और मोदी की गारंटी पर या मोदी की गारंटी को बीजेपी ने मुद्दा नहीं बनाया था और इसी के चलते हरियाणा चुनाव में बीजेपी जीती है। क्योंकि बीजेपी की जो राज्य स्तर की पार्टी, बीजेपी के जो राज्य स्तर के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने काम किया, आरएसएस ने काम किया और वही अगर महाराष्ट्र में रिपीट होता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। लेकिन यहाँ भी अगर सिर्फ मोदी की जय हो करे तो बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र निकल जाएगा। ये अंदर खाने से आरएसएस ने पूरी तरीके से बीजेपी आला कमान को साफ कर दिया है कि इस चुनाव से आप जितना दूरी बना के रखेंगे उतना ही बीजेपी के लिए ये अच्छा है, यानी उतना ही अच्छा है। मोदी जी और अमित शाह को पूरी तरह से दूर रखा जाएगा, इस चुनाव से बिल्कुल दूरी बनाकर रखो। चुनाव में नरेंद्र मोदी जितना दूर रहेंगे उतना ही बीजेपी को फायदा होगा, क्या यही संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद को लेकर के भी दावेदारी की जा रही है। अजित पवार कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए, तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम तो बने हुए हैं और क्या यही रिपीट मोड पे जाएगा, क्या एकनाथ शिंदे को फिर से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी और पीछे से आप कह सकते हैं कि पीछे से एकनाथ शिंदे का बागडोर जो है वो बीजेपी के हाथ में होगा, या फडणवीस को फिर एक बार मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री सीटों के बंटवारे तो एक तरफ है ही, ऊपर से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। एनडीए में घमासान, मुख्यमंत्री पद के लिए भी एकनाथ शिंदे हैं, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एक बड़ी वजह जो है एनडीए में टूट की बड़ी वजह बन सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी या महायुति गठबंधन या एनडीए पूरी तरीके से, ये जो तीन पार्टियां मिलकर के एनडीए का चुनाव महाराष्ट्र में लड़ने वाली है, ये पूरी तरीके से बीजेपी को
नुकसान पहुंचा सकता है। और आरएसएस संघ ये मान रहा है कि अगर मोदी की एंट्री होती है, मोदी की गारंटी की एंट्री होती है महाराष्ट्र चुनाव में, तो पूरी तरीके से क्लीन स्वीप जो है वो महाविकास अघाड़ी कर जाएगा। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या 53 से 55 सीटों के सीट बंटवारे को लेकर के जो खींचातानी जारी है, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जिस तरह से अलग अलग नेता, एनडीए के अलग अलग पार्टीज के अलग अलग नेता दावेदारी ठोक रहे हैं, क्या उससे बीजेपी को बड़ा बड़ा नुकसान होगा? क्या बीजेपी हरियाणा जीत करके भी महाराष्ट्र हार जाएगी? आपको क्या लग रहा है? और आरएसएस ने सवाल बहुत बड़ा कि हरियाणा जीत कर बीजेपी महाराष्ट्र हार जाएगी, ये है जरूरी। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? मोदी की दूरी बीजेपी के लिए जरूरी। लाइक करें, शेयर करें और इस पूरे विषय पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर जितनी भी बातें बताई गई हैं कि किस तरह से मोदी जी को एक बड़ा झटका लग सकता है यहाँ पर, अगर मोदी जी सत्ता के अंदर आते हैं, यानी कि मोदी जी चुनाव के अंदर अपनी गारंटी लेकर आते हैं महाराष्ट्र के अंदर, अगर रैलियां करना शुरू करते हैं। अब मोहन भागवत को लेकर इस तरह की बात कही जा रही है कि मोहन भागवत ने सीधे तौर पर मोदी जी से और अमित शाह जी से कह दिया कि जितना हो सके आप लोग महाराष्ट्र के इस चुनाव से दूरी बना लें, यानी कि आप अपनी गारंटी, अपना चेहरा, अपने आप को दूर रखें। अगर आप अपनी गारंटी लेकर महाराष्ट्र के अंदर कूदते हैं तो पूरी तरह से यहाँ पर सूपड़ा साफ होने से कोई नहीं बचा सकता। इस तरह का आरएसएस का मानना है कि आरएसएस के कहने से ही जो है हरियाणा का चुनाव किसी भी तरह से हो लेकिन एनडीए सरकार जीत पाई है, मोदी जी जीत पाए हैं, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी का दौरा पूरी तरह से बैन कर दिया गया था, मोदी जी की जो पूरी तरह से गारंटी को ख़त्म कर दिया गया था, यानी कि कमान किसी और ने यहाँ पर संभाल रखी थी। पीछे पीछे कौन सी ऐसी संस्था है जो मोदी जी के लिए काम कर रही थी, एनडीए के काम कर रही थी एनडीए के लिए कि किसी भी तरह से उस सरकार एनडीए के ही हमें हरियाणा के अंदर लेकर आनी है। लेकिन महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लग सकता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ईवीएम्स हरियाणा के अंदर पकड़ी गई हैं, ईवीएम्स को लेकर जो खुलासे दोस्तों हुए हैं उससे इंडिया लाइंस काफ़ी यहाँ पर सचेत हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सावधान हो चुका है कि अब किसी भी तरह की कोई भी चूक इंडिया लाइंस अपने आप में करने का मौका नहीं देना चाहता। तो हरियाणा के बाद जो है महाराष्ट्र के अंदर हो सकता है बीजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका लगे, इंडिया लाइंस को एक बड़ा झटका लगे। ये जो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है, इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।